हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, साइंस। एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट व्हाट इज द सेट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट हमने पढ़ा था कि सेट होता क्या है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि सेट के टाइप क्या है। तो एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे वेल डिफाइन होंगे, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे, उन ऑब्जेक्ट के, उन नंबर्स के, उन डिजिट के, या कुछ भी हमारे पास अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं सेट। सेट को लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट को काम में लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट के एलिमेंट लिखते हैं, और एलिमेंट होता है जो नंबर हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमने किया था सेट को लिखने के दो मेथड, एक तो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था हमारा रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म का मतलब केवल एलिमेंट को शो करना, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वो सिचुएशन शो करना जो सिचुएशन हमारे एलिमेंट के थ्रू सेटिस्फाई हो रही है। ओके, देन उसके बाद में हमने किया था कि सेट के हमारे टाइप, जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर किया था, वो किया था पहला एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, तीनों एक ही बात है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सेकंड हमने किया था फाइनाइट सेट, जिसके अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और थर्ड था हमारा इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमने तीन तरह के सेट के जो टाइप है वो हमने पढ़े थे। अब उसके आगे भी हम पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक तो इक्वल सेट, और दूसरा पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। तो ये दो तरह के सेट पढ़ेंगे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझना। एक तो हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट की, और दूसरा पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट। सो ये दो टाइप के हम सेट की बात करना चाह रहे हैं, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। याद रखना ये सेट नहीं है, ये सेट्स है। मतलब इक्वल सेट्स के लिए हमें कम से कम दो सेट नेसेसरी होते हैं। एक सिंगल सेट के ये टाइप नहीं है, ये हमारे पास दो सेट का कंपैरिजन है एक तरह से। सो कंपैरिजन है। इक्वल सेट का मतलब होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट से मैच कर जाए। लाइक सपोज कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसके अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। और अगर हमारे पास एक और सेट हुआ बी, ये तो सेट है ए, और बी अगर हमारे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 1 एंड 3, तो ये दोनों सेट माने जाएंगे आपस में इक्वल। तो आपस में इक्वल होने का, सेट्स का इक्वल होने का केवल और केवल एक ही केस है, उसके सारे के सारे जो एलिमेंट है उनके वैल्यू का आपस में मैच करना। अगर इनके एलिमेंट के वैल्यू आपस में मैच करेंगे तो ही ये सेट्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पर हम नहीं जाएंगे, एलिमेंट को लिखने के लिए उनको हम आगे पीछे किसी तरह से भी उनका ऑर्डर जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम अंदर की तरफ एलिमेंट लिखते हैं, वो एलिमेंट हम हमारे हिसाब से किसी भी सिक्वेंस में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 2, 1, 3 एक ही बात मानी जाएगी, और ये दोनों सेट आपस में इक्वल बोले जाएंगे, क्योंकि इनके सारे के सारे एलिमेंट आपस में मैच कर रहे हैं। ओके, दूसरा हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। मतलब ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपस में मैच करने चाहिए। यहाँ याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। ओके, सो उनकी वैल्यूज मैच करें ये बात कोई जरूरी नहीं है। जैसे ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो इनमें से एक भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इनकी काउंटिंग सेम है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 3, 1, 2, 3, और अगर बी सेट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास
पास 3, तो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल है, इसलिए ए और बी सेट को बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो ये दो टाइप के हमारे सेट है, एक तो है इक्वल सेट, दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट का तो मतलब है कि उनके सारे के सारे एलिमेंट आपस में मैच करने नेसेसरी है, और जबकि इक्विवेलेंट सेट का मतलब है उसके केवल काउंटिंग मैच करनी चाहिए, वैल्यू मैच करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल और केवल काउंटिंग यहाँ पर डिपेंड करेगी कि काउंटिंग मैच कर जानी चाहिए बस यहाँ पर। ओके, सो ये हो गए हमारे दो टाइप के सेट, एक तो था हमारा इक्वल सेट और दूसरा था हमारे पास में इक्विवेलेंट सेट। ओके, देन नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई, अब हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने कल भी यानी लेक्चर वन में काम में लिया था। एक तो है बिलोंग्स टू और दूसरा है नॉट बिलोंग्स टू। सो ये सिंबल है बिलोंग्स टू और सेकंड है नॉट बिलोंग्स टू। सो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल है। इन दोनों सिंबल को हम कैसे काम में लेते हैं, कहाँ काम में लेते हैं। ओके, सो ये दोनों जो सिंबल है वो काम में आते हैं जब एक तरफ होता है हमारे पास में एलिमेंट और दूसरी साइड पर होता है सेट। एक तरफ एलिमेंट होना चाहिए, दूसरी साइड पर सेट होना चाहिए। तो एलिमेंट और सेट दोनों अलग अलग होने चाहिए, और अगर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद होता है तो हम यहाँ सिंबल काम में लेंगे बिलोंग्स टू, और अगर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं रखता है तो हमें इसके बीच में सिंबल लगाना होगा नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक सपोज वी हैव अ सेट ए विद द एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो 1 इज एन एलिमेंट, 2 अगेन एक एलिमेंट है, 3 एक और एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ये चारों के चारों ए सेट के हमारे पास एलिमेंट है, और अब हम इस एलिमेंट और ए के बीच में अगर हम ये सिंबल काम में लेना चाहेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये सेट के अंदर है या फिर सेट के अंदर नहीं है। तो 1 जो एलिमेंट है वो हमें ए सेट के अंदर इजीली दिख रहा है, इसका मतलब 1 के लिए हमें काम में लेना होगा बिलोंग्स टू, क्योंकि 1 ए सेट के अंदर मौजूद है। देन अगर हम 2 और ए के बीच में भी हम ये सिंबल काम में लेना चाहें तो हमें बिलोंग्स टू लगाना होगा, लेकिन अगर हम 5 और ए के बीच में ये सिंबल काम में लें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर 5 ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो अब हमें यहाँ पर सिंबल काम में लेना होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई एलिमेंट जब उस सेट के अंदर मौजूद होता है तो उस एलिमेंट को हम उस सेट के अंदर शो कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सिंबल काम में लेना होगा बिलोंग्स टू। और अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद नहीं होता है तो उसके लिए हमें सिंबल लगाना होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारे पास दो सिंबल है, एक तो है बिलोंग्स टू और दूसरा है नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ये दोनों सिंबल केवल और केवल एलिमेंट और सेट इनके बीच में ही हम काम में ले सकते हैं। अगर एलिमेंट सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, और अगर एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो वो नॉट बिलोंग्स टू में आएगा। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल की। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेट। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अभी सबसेट, इसके लिए भी हम यहाँ पर सिंबल काम में लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम सबसेट होता क्या है। सबसेट्स मतलब सेट्स का सब, मतलब सेट्स से बनने वाले और ज़्यादा सेट, ऐसे सेट जो कि इस हमारे एक गिवन सेट से बने हैं। जैसे मान लो कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, और इसके हम बनाना चाहते हैं सबसेट। तो सबसेट का मतलब जैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास में होलसेल की शॉप है, और उस होलसेल की शॉप में से अपना जो भी वहाँ पर गुड्स वगैरह है वो ले जाकर बाकी भी अपनी अपनी जो शॉप है वो ओपन करना चाहते हैं। छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो बड़े दुकानदार से जो गुड्स वगैरह है वो परचेज करेंगे और अपनी शॉप को तैयार करेंगे। किस तरह से, जैसे मान लो कि ये एक होलसेलर है, इसके पास 3 तरह के ये गुड्स है,
वन टू और थ्री। तो यहाँ से अलग अलग जो शॉपकीपर्स है वो क्या क्या सामान ले जाकर अपनी छोटी दुकान ओपन कर सकते हैं। मान लो कि कोई वन टाइप का जो गुड है, ओके, जो वन टाइप का जो मटेरियल है उसे ले जाता है और वो अपनी दुकान को ओपन कर लेता है। देन हो सकता है कोई सेकंड टाइप के मटेरियल को ले जाए, या फिर हो सकता है कोई थर्ड टाइप के मटेरियल को परचेज कर दे, या फिर हो सकता है कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों को ही परचेज करके चले जाए, या फिर हो सकता है कोई सेकंड और थर्ड इन दोनों को परचेज करके अपना शॉप ओपन कर ले, या फिर पॉसिबल है वन और थ्री को ले जाकर अपना शॉप ओपन कर ले, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों तरह का मटेरियल ले जाकर अपना एक नया शॉप ओपन कर ले, या फिर हो सकता है इनमें से कोई सा भी एक मटेरियल नहीं लेकर गया है, बजाय उसके वो अपना किसी और मटेरियल से अपना शॉप ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, उसके बाद में यहाँ से केवल सिंगल सिंगल एलिमेंट को हम काउंट करेंगे। सिंगल एलिमेंट वन टू थ्री, उसके बाद डबल डबल, डबल डबल के पेयर बनेंगे वन टू, टू थ्री और वन थ्री, और लास्ट में आ जाएगा ये पूरा कंप्लीट वन टू थ्री। तो ये सारे के सारे माने जाएंगे सबसेट्स। तो ये सारे के सारे हैं सबसेट्स ऑफ ए। तो ए जो हमारा सेट है उसके ये सारे के सारे सबसेट है, तो ये सारे के सारे सबसेट माने जाएंगे। और इस सबसेट में जो सबसे खास बात होगी वो होगी फाइव इज द सबसेट of every set, और दूसरा each set is the subset of itself। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सबसेट में। तो सबसेट का मतलब होता है कि जो हमें सेट गिवन है उसी के एलिमेंट से बन सकने वाले बाकी के सेट। तो बाकी के इससे कितने कौन कौन से सेट बन सकते हैं उसी को हमें लिखना है, और वो सारे के सारे माने जाएंगे इसके सबसेट, जिसमें पहला है वन, अकेला टू भी जा सकता है, अकेला थ्री, वन टू, टू थ्री, वन थ्री, और लास्ट में वन टू थ्री भी बन सकता है, या फिर हो सकता है एक भी एलिमेंट ना जाए और फाइव भी एक सबसेट माना जाएगा। तो ये दो चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, हर बार सेम रहेगा। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट माना जाता है। अगर मैं कोई भी यहाँ पर सेट लिखूंगा, मान लो कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, और अगर हम इसके सबसेट लिखना चाहते हैं तो इसके सबसेट बनेंगे। सबसे पहले इसमें नाम आएगा फाइव का, उसके बाद एक सिंगल एलिमेंट आएगा ए, उसके बाद अगेन सिंगल एलिमेंट बी, और उसके बाद ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए कोमा बी, तो ये बन जाएंगे इसके सबसेट। तो जो हमारे पास ए बी है वो सेम टू सेम यहाँ पर आएगा, और जो वन टू थ्री है वो भी हमें यहाँ पर सेम मिलेगा। मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है, और दूसरा जो फाइव है वो भी हर एक सेट का सबसेट माना जाता है। तो सबसेट के लिए ये दो चीज़ें हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा, हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। एक तो पहला एम्प्टी सेट या नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट अपने आप का सबसेट माना जाता है, और जो एम्प्टी सेट होता है या जो नल सेट होता है वो भी हर सेट का सबसेट माना जाता है। तो ये दो चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी। और अभी हम सबसेट को और आगे बढ़ते हैं और ये भी फाइंड आउट करते हैं कि अगर यहाँ तीन एलिमेंट आए, अगर मान लो बहुत सारे एलिमेंट हो, तो मैं ये कैसे काउंट करूँगा कि यहाँ कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। ओके, जैसे ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है वन टू थ्री एंड फोर, इसमें हम सबसेट काउंट करते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसके सबसेट अगर हम काउंट करें तो सबसे पहला नंबर फाइव का आएगा, क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हर सेट का जो सबसेट है वो फाइव तो माना ही जाएगा, तो फाइव सबसे पहले आएगा। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, तो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा वन, सिंगल एलिमेंट होगा टू, सिंगल एलिमेंट होगा थ्री, सिंगल एलिमेंट हो जाएगा फोर। अब डबल डबल एलिमेंट, सो डबल एलिमेंट हो जाएंगे वन कोमा टू,
डबल एलिमेंट हो जाएगा 1,3, डबल एलिमेंट हो जाएगा 1,4। तो मैंने 1 को सबके साथ लिया है, अब मैं 1 को छोड़ दूंगा और अब 1 को हटा दो, 1 को हटा दो तो अब 2 को काउंट करो, तो 1 को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और अब 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, तो ये डबल डबल के पेयर बनेंगे 2,3 और एक बनेगा हमारे पास 2,4। देन उसके बाद में हमने 2 को भी हटा देना है और 3 का पेयर 4 के साथ बनेगा तो 3,4। एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिक्वेंस मायने नहीं रखता, मतलब 1,2 लिखो चाहे 2,1, दोनों एक ही बात माना जाता है, दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इस तरह के एलिमेंट को रिपीट मत करवा देना। तो पहले 1 के साथ सारे पेयर बनाए 1,2,1,3,1,4, उसके बाद में 1 को हटा देंगे, अब 2 के साथ बनाएंगे तो 2,3,2,4, देन 2 को भी हटा देंगे और फिर 3 का पेयर 4 के साथ में। ओके, अब हमें 3,3 के पेयर बनाने हैं, तो 3,3 के पेयर किस तरह से, एक बार पहले मैं 4 को हटाऊंगा और इन तीनों का एक पेयर सेट कर दूंगा 1,2,3। अब यहाँ से 4 नहीं, अब 3 को हटा दो, तो 3 को हटाने पर बचेगा 1,2,4। अब यहाँ से 3 नहीं, अब 2 को हटा दो, तो 2 को हटाने के बाद बचेगा 1,3,4, और लास्ट में अब 1 को हटा दो, तो 1 को हटाने के बाद पेयर बचेगा 2,3,4। और अब लास्ट में ये हमने 3,3 के पेयर बना दिए, तो अब सारे एलिमेंट भी एक साथ आएंगे 4,4 के पेयर, तो 4,4 का केवल एक ही पेयर बनेगा और ये आ गए इसके सारे के सारे सबसेट। अगर हम इनका काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो यहाँ नंबर ऑफ जो सबसेट है वो हमारे पास में 16, तो 16 नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास इसमें बन गए, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 to the power n, where n is the number of elements in a set। एक सेट के अंदर अगर हमारे पास में n number of element होते हैं तो उसके अंदर जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n। ओके, एग्जाम्पल यहां पर हम लिखते हैं number of element इन अ सेट, और इस तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, सो लाइक सपोज कि हमारे पास जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, सो जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट है एक सेट में, 1, 2, 3, 4। ओके, और यहां पर अगर हम नंबर ऑफ सबसेट लिखें, सो जीरो एलिमेंट के लिए सबसेट होंगे 2 की पावर 0, मतलब 1। ओके, तो उसके अंदर एक सबसेट माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, मान लो कि ए हमारे पास सेट है जो है 5 के इक्वल, वो एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं इसके सबसेट तैयार करूंगा तो इसका जो सबसेट है वो बन जाएगा 5, क्योंकि 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो 5 अपने आप का भी सबसेट माना जाएगा, तो इसका जो सबसेट होगा वो हमारा एक सबसेट तो बनेगा। 5 का मतलब होता है खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट करेंगे 0, और अगर हम 0 एलिमेंट के साथ में सबसेट बना रहे हैं तो सबसेट की काउंटिंग होगी 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 किसी की भी पावर जो 0 होता है वो होता है हमेशा 1 के इक्वल, तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उसके जो सबसेट होंगे वो होंगे 1 के इक्वल। देन अगर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर 1, यानी 2, और अगर 2 एलिमेंट है तो 2 to the power 2, मतलब 4 नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर 3 एलिमेंट्स है देन 2 to the power 3, और ये बन जाएंगे 8 नंबर ऑफ सबसेट्स, और अगर 4 एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट होंगे 2 to the power 4, मतलब 16 सबसेट्स। तो ये हमारे पास में एक तरफ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, और दूसरी तरफ पर नंबर ऑफ सबसेट जितने हम उसके बना सकते हैं। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सो 2 की पावर n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और यहाँ पर मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई नल सेट का भी सबसेट बनाने के लिए आता है कि नल सेट के कितने सबसेट होंगे, तो वो खुद ही होगा, नल सेट का मतलब होता है खाली सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, और 0 नंबर ऑफ एलिमेंट के अगर हम सबसेट काउंट करें तो वो आएंगे 2 की पावर 0, यानी 1 के इक्वल, यानी 5 का सबसेट 5 माना जाएगा और कोई नहीं, क्योंकि हमने दो स्टेटमेंट जस्ट इससे पहले पढ़े थे, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ईच सेट इज द सबसेट ऑफ
इट्सेल्फ। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे सबसेट का सिंबल। तो ये तो हमने पढ़ा कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है तो उसके एलिमेंट से बन सकने वाले और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो सेट होते हैं उनको बोला जाता है सबसेट्स। तो ये सारे के सारे माने जाएंगे इस ए सेट के सबसेट। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे सबसेट का सिंबल कि सबसेट का जो सिंबल है वो कौन सा होता है और उसको हम यूज में किस तरह से लेते हैं। ध्यान से समझना, ये जो सिंबल है ये हमारा सिंबल है सबसेट का, और ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं नॉट सबसेट। तो ये दो सिंबल है, जैसे हमारे पास बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल थे, वैसे अब हमारे पास सबसेट और नॉट सबसेट ये दोनों सिंबल है। तो इन दोनों सिंबल को हम किस तरह से यूज में लेते हैं उसे ध्यान से समझना। देखो, सबसेट और नॉट सबसेट जो हमारे पास सिंबल है वो हमेशा दो सेट के बीच में ही लगाया जाता है। इस तरफ भी सेट होना चाहिए, दूसरी तरफ भी सेट होना चाहिए। तो दोनों तरफ अगर हमारे पास सेट है तो उनके बीच में हम सबसेट या नॉट सबसेट का सिंबल लगा सकते हैं। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद होते हैं तो उसे बोला जाएगा कि फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमारे पास इधर 1 2 3 और इस तरफ हमारे पास सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट इस सेकेंड वाले के अंदर है या फिर नहीं है। तो अगर हम 1 2 3 को ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 यहाँ इजीली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और अगर 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है तो अब इसे बोला जाएगा सबसेट, क्योंकि इस पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट हमने सेकंड सेट के अंदर ऑब्जर्व कर लिए हैं। सो सेकंड सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन पहले सेट के अगर सारे एलिमेंट हमें इसके अंदर मिले तो हम इसे लिखेंगे सबसेट। तो जो हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल था वो तो हम काम में लेते थे एलिमेंट और सेट के बीच में, जबकि हमारा ये जो सिंबल है ये हम काम में लेंगे दो सेट के बीच में। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर है तो सबसेट है, और अगर पहले के सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो नॉट सबसेट। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, अगेन ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 1 2 4 5 6। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट हमें सेकंड के अंदर मिलने चाहिए, तो 1 और 2 तो यहाँ पर इजीली मैच कर रहा है कि पहले सेट के जो दो एलिमेंट है 1 और 2 वो तो हमें सेकंड सेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो 3 है ये 3 हमें सेकंड सेट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और इसे लिखा जाएगा नॉट सबसेट। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट सबसेट, क्योंकि फर्स्ट के जो सारे एलिमेंट है वो सेकंड के अंदर नहीं आ रहे, इसलिए इसको लिखा जाता है नॉट सबसेट। तो ये होता है हमारा सिंबल, एक तो सबसेट और दूसरा होता है हमारा नॉट सबसेट। तो सबसेट और नॉट सबसेट ये दो सिंबल है हमारे पास में, इसको हम काम में लेते हैं दो सेट के बीच में। और जो बिलोंग्स टू वाला जो सिंबल था वो आता था हमारे एलिमेंट और सेट के बीच में। अब इन दोनों सिंबल को मैं मिक्स करके और फिर एक साथ समझाता हूँ। तो अभी हमें इन चारों सिंबल का एक साथ यूज करके बताना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पर वर्क करेगा। एक तो है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, दूसरा सबसेट और नॉट सबसेट, और इन सबको हम एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के तौर पर ए हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब हमें कुछ यहाँ पर जो सिंबल है वो काम में लेना है, जैसे पहला ए और सेट ए के बीच में। याद रखना ये जो स्मॉल ए है ये एलिमेंट का काम कर रहा है, और जो कैपिटल ए है ये हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है। ओके, देन सी और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, एफ और ए के बीच में। उसके बाद अब हमें यहाँ पर सिंबल काम में लेना है सी और ए के बीच में, फाई और ए के बीच में, देन सी कोमा डी और साथ में ए, और इस तरफ हमारे पास में ए बी एंड सी एंड डी और ए के बीच में। अब हमें इन सब के बीच में जो सिंबल है उसे यूज में लेना है। इस तरफ तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, इनके बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं है। यार
याद रखना कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जब भी हमें सेट लिखा जाएगा तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ए अगर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो ए मेरा इंडिविजुअल माना जाएगा, इसे कहा जाएगा एक एलिमेंट ना कि सेट। तो ये एक एलिमेंट है, इधर सेट है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक सिंबल काम में आएगा। जब हम एलिमेंट और सेट के बीच में सिंबल काम में लेंगे तो इन दोनों में से कोई एक, और एक सेट और दूसरे सेट के बीच में काम में लेंगे तो सबसेट या नॉट सबसेट में से किसी एक को। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ए जो हमारा एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है, इसलिए हमें सिंबल लगाना होगा बिलोंग्स टू। सेकंड, सी एक एलिमेंट है और सेट के अंदर ये मौजूद है, इसलिए सी और ए के बीच में भी सिंबल लगेगा बिलोंग्स टू। अगर हम ए की बात करें तो इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मतलब इसे भी मैं एक एलिमेंट कहूँगा और ये एलिमेंट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें सिंबल काम में लेना होगा नॉट बिलोंग्स टू। लास्ट हम बात करते हैं एफ और ए के बीच में, तो ये हमारा ए सेट है जिसके अंदर एफ हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर सिंबल काम में लेना होगा नॉट बिलोंग्स टू। अब अगर हम इन सब की बात करें तो इन सब के लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एक सेट है और राइट के अंदर भी हमारे पास एक सेट है, तो यहाँ पर एक सेट और दूसरे सेट के बीच में हमें सिंबल काम में लेना होगा। और ये याद रखना कि क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए मैं इनको सेट बोल रहा हूँ। तो जैसे सी ये एक एलिमेंट था लेकिन सी के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते अभी अपने आप में क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो ये सेट है जिसका एलिमेंट ए के अंदर आराम से आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा सबसेट। तो ये सिंबल हम काम में लेंगे यहाँ पर सबसेट का। फाई के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई तो हर एक सेट का सबसेट माना जाता है, तो फाई ए का भी सबसेट होगा। अगर हम सी और डी की बात करें तो सी और डी ये दो एलिमेंट है एक सेट के, और ये सेट के एलिमेंट ए सेट के अंदर आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, इसलिए इसके लिए भी हमें सिंबल काम में लेना होगा सबसेट का। और अगर हम ए बी सी डी इस पूरे की बात करें तो ये पूरा का पूरा आपस में इक्वल भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ये सबसेट भी माना जाएगा और साथ में हम इसे इक्वल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसेट के साथ में इक्वल का जो सिंबल है वो भी यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इसके लिए। अगर मान लो कि यहाँ पर एलिमेंट आता है ए बी और ई और इस तरफ होता हमारे पास ए, और अब हमें अगर सिंबल काम में लेना है तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी और ई, और दूसरी तरफ हमारे पास है सेट ए। तो अगर ये सारे एलिमेंट हमें इसके अंदर ऑब्जर्व करना है तो ए और बी तो इसके अंदर मिल रहा है लेकिन ई इसके अंदर नहीं मिल रहा, इसलिए अब हमें यहाँ पर सिंबल काम में लेना होगा नॉट सबसेट। तो यहाँ पर हम सिंबल काम में लेंगे नॉट सबसेट क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको बोला जाएगा एक नॉट सबसेट। ओके, तो ये हमारे पास सिंबल हमने एक साथ काम में लिया था इन सारे सिंबल्स को, एक तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, दूसरा हमारे पास सबसेट और नॉट सबसेट। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, और ये एग्जांपल थोड़ा सा खास होगा। लाइक सपोज कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, देन 3 कॉमा 4, इसके अंदर ही की तरफ ही ये कर्ली ब्रैकेट काम में लिया है, तो 5 और 6 ये हमारे पास एक सेट है। और अब हमें यहाँ कुछ सिंबल्स जो है उसे यूज में लेना है, जैसे पहला 1 और 1 के बीच में 5 और 1, 1 with curly bracket एंड ए 3 and 1, 3 comma 4 एंड ए, 1 comma 3 एंड ए, और उसके बाद में हम काम में लेंगे 3 comma 4 टू द कर्ली ब्रैकेट एंड ई। इन सब के बीच में अब हमें यहाँ पर सिंबल काम में लेना है, ये सारे क्वेश्चन मिक्स में है तो मुझे अब खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन एलिमेंट है कौन सेट है, ताकि कहाँ पर हम काम में लेंगे बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, और कहाँ पर हम काम में लेंगे सबसेट और नॉट सबसेट। ओके, तो अगर हम सबसे पहले इस सेट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट है, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये पूछता हूँ कि इसके अंदर
टोटल कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग करेंगे तो वैसे तो यहाँ सिक्स तक के नंबर दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर ये बोल देंगे कि सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वन टू, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा, इसे बोला जाएगा ये थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एंड फाइव। तो अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, केवल और केवल फाइव नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ थ्री अकेला नहीं माना जाएगा, 3.4 इस कर्ली ब्रैकेट के साथ ही इसका एक एलिमेंट माना गया है, सिंगल एलिमेंट माना गया है, और सिंगल एलिमेंट माना गया है इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ काम में ले सकता हूँ बिलोंग्स टू। वैसे तो बोला जाता है कि जब हम ये कर्ली ब्रैकेट काम में लेते हैं तो अपने आप में सेट बन जाता है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट हमारे पास इस सेट के अंदर है, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ ही ये जो 3.4 है इसको बोला जाएगा एक इसका एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है इसलिए मैं यहाँ पर बिलोंग्स टू काम में लूँगा। वन के बारे में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वन एलिमेंट है और वो ए सेट के अंदर मौजूद है, तो यहाँ बिलोंग्स टू। फाइव के बारे में हमने ऑलरेडी दो चीज़ें पढ़ लिया था, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव अपने आप में सेट है, इसके कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। एम्प्टी सेट या जो नल सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, वो होता है हमारा फाइव। फाइव बिना कर्ली ब्रैकेट के अपने आप में एक सेट माना जाता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक सेट जरूर कहा जाएगा, वो एक एम्प्टी सेट होता है या फिर नल सेट होता है। ओके, इसलिए फाइव एक सेट है, ये भी एक सेट है, एंड फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पर हम काम में लेंगे सबसेट। वन यहाँ पर एक एलिमेंट था, लेकिन वन के बाहर यहाँ कर्ली ब्रैकेट लग गया, इसलिए वन को बोला जाएगा एक सेट, और ये इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के अंदर आराम से मैच कर रहा है, इसे यहाँ पर भी हम काम में लेंगे सबसेट। थ्री इंडिविजुअल है, इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इसको एक एलिमेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि थ्री ए के अंदर है या नहीं है तो मैं मना करूँगा, क्योंकि थ्री इंडिविजुअली मेरे पास ए के अंदर मौजूद नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट है जिसके अंदर थ्री और फोर एक साथ आ रहे हैं। तो एक साथ आ रहे हैं तो जब तक दोनों की मौजूदगी एक साथ नहीं होगी तब तक मैं उसको एक एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो थ्री मेरे पास एक तरह से इसके अंदर मौजूद है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइव काउंट किए थे, ये एक सिंगल एलिमेंट है और इसमें से मैं थ्री को अलग बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर सिंबल का मैं लूँगा नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू आएगा, उसके आगे वन और थ्री ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारे पास एक तरह से सेट हो गया, इस तरफ भी सेट हो गया, मतलब या तो यहाँ लगेगा सबसेट या फिर लगेगा नॉट सबसेट। अगर मैं बात करूँ कि वन वन इसके अंदर है, बिल्कुल है, थ्री थ्री इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि थ्री इंडिपेंडेंटली इसके अंदर मौजूद नहीं है, जहाँ थ्री है वहाँ फोर का आना जरूरी है, तभी माना जाएगा वो उसका एक एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट सबसेट, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाए, ये थोड़ा स्पेशल है। इन दोनों को मैं आपस में लिंक करूँगा, ये अगर इसकी बात करूँ तो मैंने बताया था कि 3.4 इस कर्ली ब्रैकेट के साथ ही एक सिंगल एलिमेंट का काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट था, लेकिन इस एलिमेंट के बाहर यानी इस कर्ली ब्रैकेट के साथ तो ये एलिमेंट है, उसके बाहर अगर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो अब जाकर ये अपने आप में एक सेट हो गया जिसका पूरा का पूरा एलिमेंट एक के अंदर मैच कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर काम में लेना होगा सबसेट का सिंबल। तो एक बार फिर से इस एग्जांपल को रिवर्स जाकर एक बार फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करना, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सबसेट और नॉट सबसेट हमें किस तरह से यूज़ में लेते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने अभी तक सबसेट का टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है। आगे हम यूनिवर्सल सेट और जो हमारे पास में सेट के ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।